बरसात रुकते ही राहुल तुरंत ऑफिस से घर की तरफ निकल पड़ता है। रात काफी हो चुकी थी और राहुल की कार की लाइट भी खराब थी। तभी राहुल के सामने एक डॉग आ जाता है। राहुल कार का पूरा ब्रेक लगा देता है, लेकिन कार डॉग से टकरा जाती है और वो दूर जाके गिरता है। राहुल तुरंत कार से बाहर निकलता है और उस डॉग को देखता है, लेकिन डॉग मर चुका था। राहुल काफी डर जाता है। अरे ये कुत्ता तो मर चुका है। राहुल तुरंत कार के अंदर जाता है और गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मेरी कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? राहुल दोबारा कार से बाहर निकलकर कार का बोनट खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आजकल हमें क्या बता सकते हैं राहुल ने ऐसा क्या देख लिया, सोचिए सोचिए। कार की बोनट में वही डॉग की फोटो है जिसका राहुल की कार से एक्सीडेंट हो गया था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये देखकर राहुल के पैरों तले जमीन की सच जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? भूत, भूत। राहुल डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते राहुल को एक जाली वाला गेट दिखाई देता है। राहुल तुरंत उस गेट को खोलकर अंदर चला जाता है और गेट को अंदर से लॉक कर देता है। तभी राहुल को जाने माने कोस्टेंडर यश की याद आ जाती है और राहुल तुरंत यश को कॉल कर देता है। उस समय यश घर पर बैठकर अपनी भूतों वाली किताब पढ़ रहा था और सोच रहा था, क्या आप लोगों ने 999 गोस्ट हंटर गेम में पकड़ लिया है? यश को आपकी मदद चाहिए उन गोस्ट को पकड़ने के लिए। राहुल यश से कहता है, प्लीज सर जल्दी से यहाँ आ जाइए, यहाँ पर भूत है। चिंता मत करो भाई, बस समझो मैं यू आ गया। यश की बाइक गोसिस्तान में अंदर रखी हुई थी और दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। समाचार टोटल 4 लेटर से लिखा हुआ है। क्या आप इसको 3 अक्षरों से लिख सकते हैं? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, 4 लेटर्स के समाचार को आप 3 अक्षरों से कैसे लिख सकते हैं? सिंपल है समाचार, नंबर 4 हो गया 3 लेटर्स। यश ये समझ जाता है और दरवाजा खोल जाता है। यश तुरंत अपनी गन लेता है और अपनी बाइक से निकल पड़ता है। उधर राहुल को बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन उसी पेड़ के ऊपर एक सांप बैठा हुआ था। ये देखकर राहुल को पसीना आ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए राहुल पेड़ से नीचे छलांग लगा देता है। राहुल को काफी चोट लग जाती है, लेकिन तभी पेड़ के ऊपर वाला सांप भी नीचे आ जाता है। आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। सांप धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगता है। राहुल और ज्यादा डरने लगता है, लेकिन तभी राहुल को समझ आ जाता है कि वो सांप नकली है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं राहुल को ऐसा क्यों लगा कि वो सांप नकली है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, वो सांप एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, लेकिन सांप के तो पैर ही नहीं होते हैं और सांप कर्व के आकार में चलते हैं। इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। देखते ही देखते वो सांप बड़ा होने लगता है और ये सब देखकर राहुल की पैंट गीली हो जाती है। कौन हो तुम? लेकिन इससे पहले कि वो सांप राहुल को मार पाता, वहाँ यश तक गोस्टेंडर आ जाता है। यश अपनी बाइक को हवा में उड़ाते हुए एक फायर गोली निकालता है और उस भूतिया सांप के ऊपर फेंक देता है। भूतिया सांप की बॉडी में आग लग जाती है और वो गायब हो जाता है। इसके बाद यश राहुल के पास आता है। अरे यार, तुमने तो अपनी पैंट गीली कर दी। मैं क्या करूँ सर, मुझे डर लग रहा था। डरने से कुछ नहीं होता दोस्त, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। इसके बाद राहुल यश को लेकर अपनी कार के पास जाता है, लेकिन राहुल की कार चल रही थी। अपनी कार को चलता देख राहुल रोने लगता है। मेरी कार। अब कार का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चिंता मत करो राहुल, मैं उस भूतिया डॉग को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद राहुल और यश उस भूतिया डॉग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यश अपनी घड़ी से भूत की लोकेशन ट्रैक करता है तो 500 मीटर की रेंज में 4 कोस दिख रहे थे। एक नहीं, 4 हो जाओ तैयार, अब आएगा मजा। सबसे पहले यश और राहुल लेफ्ट साइड में जाते हैं क्योंकि वहाँ एक भूत की लोकेशन आ रही थी। 500 मीटर चलने के बाद यश राहुल से कहता है, भूत यहीं कहीं आसपास है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं भूत कहाँ छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए। थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, इसलिए सब कुछ भीगा हुआ है, सारे पेड़ भी गीले हैं, लेकिन ये वाले पेड़ को देखिए पूरा सूखा है। अब भला ऐसा कैसे पॉसिबल है? आ जाओ राहुल, बनाते हैं माहौल। यश और राहुल पेड़ के पास पहुंचते हैं। पेड़ के ऊपर भूत बैठा हुआ था। भूत बहुत ही डरावना था, उसके बाल लाल रंग के थे। भूत को देखते ही राहुल डर जाता है और यश के पीछे छुपने लगता है। अरे यार, तुम तो बहुत डरपोक हो, मैंने तो इससे बड़े बड़े भूत पकड़े हैं, फिर ये किस खेत की मूली है? यश अपनी गन निकालता है और भूत को पकड़ने लगता है, लेकिन भूत बंदर की तरफ उछलते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर चला जाता है। लगता है ये भूत पिछले जन्म में बंदर होगा। यश तुरंत दूसरे पेड़ के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर भूत नहीं था। यश की घड़ी जोर जोर से अलार्म बजा रही थी, इसका मतलब भूत पेड़ में ही छुपा हुआ है। पेड़ में बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे, इसलिए यश को समझ नहीं आ रहा था कि भूत कहाँ छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं भूत कहाँ छुपा हुआ है? ध्यान से देखिए।
ये वाले अमरूद को देखिए, ये उल्टा लटका हुआ है, जबकि अमरूद तो इस तरह से सीधे होते हैं। इसका मतलब भूत अमरूद बनकर लटका हुआ है। अच्छा तो ये बात है। यश एक पत्थर उठाता है और भूत वाले अमरूद को जोर से मारता है। पत्थर लगते ही अमरूद नीचे गिर जाता है और वापस से भूत बन जाता है। यश बिना देरी किए तुरंत भूत को अपनी गन से पकड़ लेता है। देखा राहुल, मैंने भूत को पकड़ लिया, चलो अब दूसरा भूत पकड़ते हैं। यश और राहुल बाइक से निकल पड़ते हैं। यश अपनी बाइक को हवा में उड़ा देता है, लेकिन राहुल बहुत डरने लगता है। प्लीज सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो भाई, जमीन पर चलते हैं। यश वापस से अपनी बाइक को नीचे ले आता है। तभी अचानक एक आम के पेड़ के पास यश की घड़ी जोर जोर से अलार्म बजाने लगती है। भूत बन गया है आम और मैं कर दूंगा उसका काम तमाम। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं? यश को कैसे समझा कि भूत आम बन गया है? सोचिए सोचिए। थोड़ी देर पहले यश को अमरूद का पेड़ मिला था। इसका मतलब ही आम का पेड़ नकली है, क्योंकि अमरूद और आम एक ही मौसम में नहीं हो सकते। वो भी इतने पके हुए आम और नीचे भी गिरे हुए हैं। हो सकता है ये पूरा पेड़ ही भूतिया हो। यश एक फायर गोली निकालता है और उस पेड़ के ऊपर फेंक देता है। पेड़ में आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरा पेड़ एक बहुत बड़ा भूत बन जाता है। सर, ये तो भूतिया पेड़ है। यश भूतिया पेड़ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भूतिया पेड़ अपनी एक डाली से यश के ऊपर हमला कर देता है। यश डाइव लगाकर जैसे तैसे खुद को बचा लेता है, लेकिन भूतिया पेड़ अपनी दूसरी डाली से राहुल को पकड़ लेता है और हवा में लटका देता है। मुझे बचा लीजिए सर। यश तुरंत अपनी जेब से फायर गोली निकालता है, लेकिन उसके पास केवल 2 फायर गोली बची थी। यश एक फायर गोली उस डाली पे मारता है जिससे भूतिया पेड़ ने राहुल को लटका रखा था। डाली में आग लग जाती है और डाली टूटने लगती है। अगर राहुल सीधे नीचे गिर गया तो उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। यश तुरंत अपनी गाड़ी की बटन दबा देता है और उसकी बाइक हवा में उड़ने लगती है। यश हवा में उड़ते हुए राहुल को बचा लेता है और बाइक के ऊपर ले जाता है। राहुल, तुम मेरी बाइक का हैंडल पकड़ो, मैं भूत को पकड़ता हूँ। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। यू कैन डू इट राहुल, यू कैन डू इट। इसके बाद राहुल यश की बाइक का हैंडल पकड़कर चलाने लगता है और यश अपनी गन से भूतिया पेड़ को पकड़ लेता है। भूतिया पेड़ को पकड़ने के बाद यश बाइक को नीचे ले आता है। क्यों राहुल, मजा आया कि नहीं? इसके बाद यश और राहुल उस भूतिया डॉग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद झाड़ियों के पीछे राहुल को एक डॉग दिखाई देता है। सर सर, यही वो भूतिया डॉग है। नहीं राहुल, ये भूतिया डॉग नहीं है, वरना मेरी घड़ी में अलार्म बजता। थोड़ी आगे चलने के बाद यश को ठीक उसी तरह एक और डॉग दिखाई देता है, लेकिन यश समझ जाता है कि ये भी दूसरा डॉग है। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे डॉग आ जाते हैं। यश की घड़ी भी जोर जोर से अलार्म बजने लगती है। राहुल, तुम गाड़ी चलाओ, मैं इन डॉग्स को देखता हूँ। राहुल यश की बाइक चलाने लगता है और यश बाइक के पीछे खड़ा हो जाता है। यश अपनी घड़ी से एक ग्रीन कलर की तरंग निकालकर सारे भूतिया डॉगों के ऊपर छोड़ देता है। देखते ही देखते सारे भूतिया डॉग वहाँ से गायब हो जाते हैं और लास्ट में केवल एक डॉग बचता है। इसका मतलब ये वाला ओरिजिनल भूतिया डॉग है। रुक जा बच्चू, तुझे मैं अब दिखाता हूँ। यश के पास बस एक आखिरी फायर गोली बची थी। यश फायर गोली को भूतिया डॉग के ऊपर फेंक देता है। भूतिया डॉग का पैर चल जाता है और वो भागते हुए वहाँ से भागने लगता है। राहुल तुरंत यश की बाइक से भूतिया डॉग को ओवरटेक कर देता है और यश अपनी गन से उसे पकड़ लेता है। इसके बाद यश राहुल को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है और वापस गोश्तिस्तान पहुँच के अपनी बुक पढ़ने लगता है, समझने के लिए कि लॉजिकल आर्मी ने कितने गोश्त पकड़े हैं गोश्त हंटर गेम में और रजनी को कैसे ढूंढा जाए और कहाँ ढूंढा जाए। और ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में।